ठीक है, अब चूंकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संघ बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत अलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इस चीज़ को, तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। बीजेपी की आरएसएस सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिसमार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लिमा उसकी मजम्मत करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है और जाहिर तौर पर उनका ये ट्वीट भी विवादित ही माना जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं हैशटैग बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाल्लाह, हैशटैग बाबरी जिंदा है, बाबरी मस्जिद थी है और रहेगी इंशाल्लाह, हैशटैग बाबरी मस्जिद जिंदा है। छोटा सा ट्वीट लेकिन ये तस्वीर शेयर करते हुए अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी। हिंदुस्तान एक रामनगर बन गया है, आज हिंदुस्तान श्री राम के हिंदू दत्त का एक मुल्क बन गया और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान, सारा आलम इस्लाम आज कश्मीरियों के साथ खड़ा है और पाकिस्तान कश्मीर की आजादी के लिए और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने की पुरजोर मजम्मत करता है।